ये उर्दू मजहबी भाषा है सर, इसको पढ़ना पड़ता है। और क्षेत्रीय भाषा हम उसे कहते हैं सर जो हम पैदा होते ही सीखते हैं। हमारे यहाँ भी सर सिल्ली में भी मुस्लिम हैं, बोकारो में भी हैं, और भी जगह जगह पर रांची में भी मुस्लिम हैं, कहीं कोई उर्दू नहीं बोलते हैं। ये लोग जहाँ जिस क्षेत्रीय भाषा जो प्रचलित है वहाँ की भाषा यूज करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर लोग कुड़माली पंच परगनिया बोलते हैं, बोकारो आप चले जाएंगे, धर्मात चले जाएंगे तो वहाँ खोटा यूज़ करते हैं, हमारे रामगढ़ में खोटा है, रांची में नागपुरी यूज करते हैं। तो सर क्षेत्रीय भाषा ही यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं, उर्दू मजहबी भाषा है, लेकिन गलत तरीके से इन लोगों के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। और माननीय जगन्नाथ जी को मैं क्या कहूँ, जब से वो अस्वस्थ हो गए हैं तो उलझ जुलझ बातें कर रहे हैं। इसके बाद अब क्या आप लोगों का क्या मांग है कि भोजपुरी मगही वगैरह को पूरे राज्य भर से हटा देना है, क्योंकि पलामू के क्षेत्र में तो भोजपुरी मगही बोलते हैं लोग, और संथाल एरिया में भी कहा जाता है कि अंगिका का भाषा का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। सर बोलते नहीं हैं या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है सर, ये हमारी रोजगार की बात है सर। अब कुछ एक लोगों को अगर बोलना पड़ता है, चाहे घरेलू बात करते हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखती सर। हमारा ये झारखंड है, झारखंडियों के लिए बना है, और झारखंड में बोलने वाले ये जो 5 जनजाति और 4 जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको ही आधार माना जाए। और मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये जो रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हैं हमें, कोई नियोजन का तरीका अपनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आधार खतियान होना चाहिए, और खतियान के आधार पर ये नियुक्ति होनी चाहिए। आपने इस्तीफा दे दिया है तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, हम निर्मल महतो जो हमारे शहीद हो गए उनकी राह पर चलेंगे, गुरुजी की राह पर चलेंगे। बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर हम सबों के प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनके राह पर आगे बढ़कर जो हमारा झारखंड का समृद्ध खुशहाल बनाने का सपना है उसे पूरा करने के लिए हम आंदोलन करेंगे, उनका रास्ता अख्तियार करेंगे। अमित जी, 1 महीने के अल्टीमेटम के बाद आपने इस्तीफा दे दिया है, जी जबकि तो 2 दिन पहले धनबाद बोकारो से तो हटा लिया गया था मगही भोजपुरी अंगिका को, और लोग उसका जश्न भी मना रहे थे। सर, हमारा विरोध सिर्फ दो ही जिला का नहीं था, मेरा विरोध था जो बाह्य भाषाएं जो भी हैं सर, हम बात करें अंगिका की, भोजपुरी की, मगही की, या फिर उड़िया की, बांग्ला की, उर्दू की, तो हमारा विरोध इन तमाम भाषाओं से था जिसको कि इन लोगों ने क्षेत्रीय भाषा घोषित कर रखा है। और महज सिर्फ दो ही जिलों से हटाया जाना और उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी कि बहुत अच्छा काम हो, तो ये गलत बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज हमारे साथ इंसाफ हो रहा है, हमारी झारखंडियों के साथ इंसाफ हो रहा है। अभी भी बोकारो और धनबाद में आपके बांग्ला और उर्दू शामिल है, साथ साथ पलामू, चतरा, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर कि अंगिका, उर्दू, मगही, भोजपुरी को शामिल कराया गया है। भोजपुरी को 2 जगहों पर करवा दिया गया है, अंगिका को वैसे ही पूरे संथाल में करा दिया गया है, फिर भोजपुरी मगही को यहाँ पर पलामू प्रमंडल में करा दिया गया, और 24 के 24 जिलों में उर्दू को करा दिया गया, बांग्ला को करा दिया गया 15 जिलों में, तो सर ये 11 जिलों में, तो ये सर उचित नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। साथ साथ ये तो भाषाओं की बात हुई, और जो हमारा अल्टीमेटम था सर उसमें हमने यह भी कह रखा था कि जो स्थान नीति और नियोजन नीति तय की जाए खतियान के आधारित पर, तो इन लोगों ने तय अब तक नहीं किया। और इनकी जो नीति बनाई गई है, नियोजन का जो तरीका अपनाया गया है, 10वीं पास और इंटर पास वाली नीति, कहीं से भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है, और कहीं से भी ये हमारी झारखंडी लोगों के हित में नहीं है। 1 महीने का सर हमने समय दे रखा था, इन 1 महीना में दुर्भाग्य की बात है, तकलीफ देह है कि जो हमारी सोच थी उस सोच में इन लोगों ने खरा नहीं उतरा, और मेरे अल्टीमेटम का
इन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं भारी मन से पार्टी छोड़ रहा हूं, पार्टी से इस्तीफा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।